खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, शाम के 6 बज रहे एबीपी न्यूज पर माननीय मैडम जी के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना एसआर खान। लोकतंत्र का महापर्व आ गया है और अब वो घड़ी आ चुकी है जब नेताओं की किस्मत की चाबी आपके हाथों में है। 17वीं लोकसभा के लिए कल पहले चरण की वोटिंग, जल्दी से आपको बड़ी बातें बता देते हैं। कल सुबह से 18 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 91 सीटें जिन पर होनी है पहले चरण में वोटिंग। इसमें उत्तर प्रदेश की 8 हैं, बिहार की 4, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र की 7 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 2, उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। 91 सीट पर कुल 1,279 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिनमें से 89 महिलाएं हैं। 1,70,664 पोलिंग बूथ पर 14,20,54,000 वोटर उम्मीदवारों की किस्मत तय होने जा रही है कल। और देखिए, कल हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे, लेकिन माननीय मैडम जी में आज शुरुआत एक खास स्पेशल स्टोरी के साथ करने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार में तमाम नेता जुटे हुए हैं, प्रचार का अंदाज पहले के चुनाव से इस बार बदला बदला सा नजर आ रहा है और इस चुनाव में खास तरह की चूड़ियां छाई हुई हैं और उन्हीं चूड़ियों को पहनकर पार्टी की महिला कार्यकर्ता प्रचार कर रही हैं। यूपी के फिरोजाबाद में चूड़ियां खनक रही हैं और इस बार खनकाने वाली सियासी पार्टियां हैं। यूं तो हिंदू धर्म में चूड़ियां सुहाग की निशानी होती हैं, लेकिन फिरोजाबाद की ये चूड़ियां फिलहाल सियासत की निशानी बनी हुई हैं। फिरोजाबाद में हर पार्टी अपने अपने रंग की चूड़ियां बनवा रही है और पार्टी की महिला कार्यकर्ता उन चूड़ियों को पहनकर प्रचार कर रही हैं। 3 तस्वीरों में चूड़ियों के रंग से आप पार्टी की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले केसरिया रंग की चूड़ियां पहने ये बीजेपी की कार्यकर्ता है। दूसरे नंबर पर लाल और नीली चूड़ियां लिए SP-BSP गठबंधन की कार्यकर्ता हैं और तीसरे नंबर पर हल्के रंग की चूड़ियां लिए ये महिलाएं शिवपाल यादव के लिए प्रचार कर रही हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है, हाथों में पहन के एकदम हाथ खेलने लगे हैं, कमल की तरह खेलने लगे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैंने भगवा रंग मोदी जी को समर्थन करने के लिए पहन लिया है। सपा का है लाल और हरा है और नीला है ना बसपा का है, इसलिए हम दोनों चूड़ियों को तीनों को मिलाकर ये गठबंधन का चिन्ह प्रतीक चूड़ी के द्वारा दर्शा रहे हैं। शिवपाल सिंह को हम समर्थन करते हैं, प्रगतिशील, पहले हरी पीली लाल चूड़ियां पहनेंगे और उनको समर्थन भी करेंगे। महिला कार्यकर्ताओं के बीच चूड़ियों की बढ़ी हुई डिमांड की वजह से फिरोजाबाद की चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियों की बल्ले बल्ले हो गई है। मंद पड़े व्यापार को इस चुनाव ने तेजी दिला दी है। फैक्ट्रियां चूड़ियों से लग गई हैं, जिस पार्टी की जितनी डिमांड है उसकी उतनी चूड़ियां बनाई जा रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां, उसमें भी फिरोजाबाद में दिग्गज से दिग्गज लोग लड़ रहे हैं, तो कुछ हमारे जो दुकानदार हैं जो हमसे लेते हैं उनकी डिमांड आती है कि साहब हमें केसरिया चाहिए, हमें बसपा वाला ब्लू रंग चाहिए, सपा का हरा और लाल चाहिए, तो जैसे हमारे पास ऑर्डर आते हैं हम उस कलर की बना देते हैं चूड़ियां। चुनावी मौसम में चूड़ियों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि सप्लाई के लिए गोदाम में चूड़ियों का अंबार लग गया है। लगातार चूड़ियां बनाई जा रही हैं, लाखों चूड़ियां बनकर तैयार हैं और महिला कार्यकर्ताओं के हाथों में पहुंचने के लिए भी बेताब है। सभी राजनीतिक दल की भी चूड़ियां बन रही है, जो औरतें धोती पहनेगी उसी कलर की, बीजेपी की हो या कांग्रेस की, बसपा की हो या सपा की हो, जिस हिसाब से धोती पहनेगी औरत उसी हिसाब से चूड़ियां पहनती है। फिरोजाबाद से अखिलेश यादव के चचेरे भाई और राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो भतीजे को हराने के लिए शिवपाल यादव खुद फिरोजाबाद के मैदान में उतरे हैं, जबकि बीजेपी ने चंद्रसेन जादौन को टिकट दिया है। लड़ाई यहां चाचा भतीजे के बीच भले ही है, लेकिन चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद इस बार सियासी चूड़ियों के लिए सुर्खियों में है। लड़ाई चूड़ियों के बीच है और ये नतीजे ही बताएंगे कि किसकी चूड़ियां खनकेंगी और किसकी हार से टूट जाएंगी। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आपको सीधे मुंबई लेकर चलते हैं। मुंबई के चुनाव मैदान में उतरी अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर इन दिनों खूब चर्चा में है। सिनेमा की दुनिया को पीछे छोड़ सियासत में उतरी उर्मिला प्रचार में पसीने बहा रही हैं। उर्मिला पर मुंबई में इस बार
खाता खोलने की बड़ी चुनौती है। रुपया मतंतर जी और अभी प्रचार फैली निकलने वाली है। आंख पर काला चश्मा, कंधे पर कांग्रेस का अंगवस्त्र और चेहरे पर चमक लिए उर्मिला मातोंडकर इन दिनों न धूप देख रही हैं न छांव। कांग्रेस के लिए जीतना है तो जी जान भी लगा दी है। उर्मिला एसी वाली कार से निकलकर खुले टेम्पो से लोगों के बीच जा रही है। यूं तो उर्मिला की पहचान फिल्म एक्ट्रेस के तौर पर है, लेकिन कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद वो मंझे हुए नेता की तरह नजर आ रही है। तेरा नमस्कार, आपका नमस्कार मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। नमस्कार, आप सबके बीच आज आई हूँ। आप सबकी साथी बनकर, आर्टिस्ट बनकर नहीं, स्टार बनकर नहीं, आप सबका सहयोग और साथ मांगने के लिए आई हूँ। आप सबको बहुत सारा प्यार देने आई हूँ। कांग्रेस ने उर्मिला को मुंबई नॉर्थ से बीजेपी के गोपाल शेट्टी के खिलाफ उतारा है। उर्मिला पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो मेहनत भी खूब कर रही हैं। संवाददाता ज्योता मित्रा से खास बातचीत में वो गोपाल शेट्टी पर पलटवार भी करती हैं। गोपाल शेट्टी जिनके अगेंस्ट आप खड़ी हैं, उनका कहना है भूली भाली लड़की है, पॉलिटिक्स में जीरो है। देखिए ये मेरी नहीं है, अभी मैं क्या कहूँ, उनकी मानसिकता दर्शाता है। क्योंकि अगर वो उनकी सोच है तो वो अपनी सोच पर चले, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा था कि मैं पर्सनल कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा, जो आज तक मैंने कहा है और मैंने कभी नहीं की है, अभी भी नहीं कर रही हूँ। उर्मिला को अपनी जीत का भरोसा है, वो लोगों के लिए काम करने की बात कहती है, तो मोदी सरकार को घेरने में भी पीछे नहीं रहती। जब 2014 में बहुत बड़े 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 वायदे किए गए थे, कि जो वायदे उस वक्त में हर किसी को पता था कि नामुमकिन है, लेकिन लोग चाहते थे कि वो, तो वो उस पे लोगों ने विश्वास दिखाया। क्यों नहीं उन वायदों के ऊपर बातें हो रही है, क्यों नहीं उनके ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्यों बार बार लोगों को ट्रोल करके, उनको नीचा दिखा के, उनको बार बार उनके अभिव्यक्ति स्वातंत्र को कुचल के, एक तरह के उनके ऊपर उनकी मुंह बंद किया जा रहा है। इन सब चीजों से तकलीफ है, उन चीजों की बात करो जो नहीं की गई है। हमसे बातचीत के बाद उर्मिला प्रचार के लिए निकली, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करना, हाथ जोड़कर लोगों को प्रणाम करना, फूल देकर लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करना। उर्मिला अब हर वो काम कर रही हैं जो नेता करते हैं। उर्मिला का प्रचार सिर्फ चौड़ी सड़कों तक ही सीमित नहीं है, वो कांदीवली के लालजी पाड़ा भाजी मार्केट की सकरी गलियों में भी गई। मतदान केंद्र पर पहुंचना है और हाथ के बाजू का बटन दबाकर मुझे और कांग्रेस को विजय करना है। उर्मिला का स्टारडम ऐसा है कि लोग फोटो खींचने लग जाते हैं। उर्मिला भी किसी को निराश नहीं करती। उर्मिला मातोंडकर फिल्म स्टार है, तो उन्हें देखने के लिए भीड़ खूब आती है, लेकिन ये भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस की प्लान में भी भूलिएगा।